Hello friends, welcome back to the video lecture of units and measurement. In last video lecture I already explained about the some basic units, fundamental units of the SI unit system. Then I discussed two supplementary units also, like plane angle and solid angle. Now today I am going to explain about the guidelines to write SI units and then prefixes of power 10 which we are using in some measurements, and after that I will discuss about the some practical units. So now I am starting guidelines for writing SI units. Already we discussed there are 7 fundamental units, which are they? Meter, kilogram, seconds, ampere, candela, then Kelvin for temperature, and mol, mole for the amount of substance. The 7 are fundamental units plus 2 supplementary units that we discussed, that is radian and steradian. Radian for plane angle and steradian for solid angle. Now whenever we write unit, either unit name or symbol, then we have to take care of some rules. We have to follow the rules. By that rules only, by using this rules only, we can write the symbols of units or name of the units. Look at here, first rule is small letters are used for symbols of units. Generally, अगर आपने देखा होगा तो सब यूनिट्स में स्मॉल लेटर्स है, लाइक दिस वी आर यूजिंग स्मॉल लेटर्स. पर किस केस में हम कैपिटल लेते हैं? यहाँ पे मैंने एम्पियर कैपिटल में लिया, के कैपिटल में लिया, तो एम्पियर इज द सिंबल और यूनिट्स गिवन बाय एनी साइंटिस्ट एंड इट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के नेम पे वो सिंबल बना है एम्पियर ए, दैट्स वाई उसको कैपिटल लेते हैं. एम्पियर केल्विन, एम्पियर एंड केल्विन आर टू साइंटिस्ट, बाय देयर नेम्ड ये सिंबल दिया गया है. तो जो यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम से दिए गए हैं उनका सिंबल कैपिटल में आएगा. सपोज न्यूटन, न्यूटन इज वन फिजिसिस्ट, तो उसका फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, तो वो एन कैसे आएगा? कैपिटल में आएगा. तो जो भी साइंटिस्ट के बेस पे जो भी होंगे सिंबल्स वो सब कैपिटल में आएंगे, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे. सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, मीन्स आफ्टर मीटर आई कैन नॉट राइट फुल स्टॉप. सपोज इफ आई एम राइटिंग 10 मीटर, आफ्टर मीटर आई कैन, इफ आई राइट 10 सेंटीमीटर देन ऑल्सो आई कैन नॉट राइट फुल स्टॉप. Thus, you understood initial letter of a symbol is capital only when it's when the unit name after a scientist. The full name of a unit always begins with a small letters. Means full name means I am writing this meter, kilogram. This is the name of unit and m is symbol, kg is symbol. So name always small letters mein aayega. वेदर इट इज बेस्ड ऑन एम्पियर में भी नेम लिखोगे तब ए स्मॉल में आएगा, बट जब सिंबल लिखोगे तब ए कैपिटल में आएगा. इन केस ऑफ केल्विन जब यूनिट नेम लिखोगे तो के स्मॉल में आएगा, बट सिंबल लिखोगे तो के कैपिटल में आएगा. सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स. प्लूरल फॉर्म्स मीन्स मुझे लिखना है 1000 मीटर्स, तो आई कैन नॉट राइट मीटर्स. फुल प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करना है, वी हैव टू राइट ओनली मीटर. कितना भी हो वी हैव टू राइट ओनली मीटर. प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, लाइक सेंटीमीटर्स ऐसा नहीं आएगा, एस नहीं आएगा. वी डोंट हैव टू राइट एस, जस्ट राइट द सिंबल वॉट एवर वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. ओके, देन दीज आर द सम रूल्स which we have to follow always whenever we write the symbols or name of the units. Now
जनरली जब हम कुछ मेजरमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होगा कि मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर में मीटर इज यूनिट. ये एम क्या है? दिस एम इज प्रेफिक्सेस. दिस एम इज प्रेफिक्सेस. सो देर आर सम कॉमन प्रेफिक्सेस, देर आर सो मैनी, बहुत सारे हैं प्रेफिक्सेस, बट हमको जो जनरली यूजफुल होते हैं न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में दिए होते हैं और यूजफुल होते हैं, दैट ओनली आई एम डिस्कसिंग, एज यू कैन गेट नंबर ऑफ प्रेफिक्सेस इन द बुक्स. ओके, द फर्स्ट वन इज, लुक इट हियर, 10 to the power 3 के किलोमीटर. इन सम क्वेश्चंस दे आर गिविंग लाइक 10 kilometers. Means kilo is what prefix and meter is what unit. So 1 kilo is equal to what is that? 10 to the power 3 meter. Means if I write 1 kilometer, then what is it? 10 to the power 3 meter. 1 kilometer is what? 10 to the power 3 meter. K is prefix for kilo. K, 10 to the power 3. So remember all this prefixes, because in numericals they are giving in this term sometimes. Suppose aisa diya hai ki 1 mega ohm, resistance ka unit kya hai? Ohm. Aur uske aage likha hai capital M. To capital M kya represents karta hai? Mega. Mega means 10 to the power 6 ohm. 1 mega ohm means 10 to the power 6 ohm. Giga, sometimes they are using giga also. 1 giga volt. 1 giga volt. That means giga means 10 to the power 9. So what will come? 10 to the power 9 volt. Tera. Sometimes they are using tera also. 1 tera meter. Tera meter means 10 to the power 12 meter. So these are the prefixes in numericals or in some questions or some in some places we are using it when the measurement is too large. So instead of writing 0000 something, 10 to the power 6 or 10 to the power 9, so iski jagah hum kya likh denge directly, ye prefixes use karenge. Then this is for large measurement, but for small measurement also there are some prefixes, like 10 to the power minus 1, that is deci. In some cases it is written decimeter, decimeter, 1 decimeter, that means what? 10 to the power minus 1 meter. 1 decimeter is equal to what? 10 to the power minus 1 meter. Centimeter, though, you know very well. 1 centimeter is equal to what will come? 10 to the power minus 2 meter. So C is for centimeter. This is the we are using also. Millimeter. 1 millimeter also. 1 millimeter is equal to what will come? 10 to the power minus 3 meter. Then micrometer. Suppose it is given 1 microampere current. 1 microampere current means 10 to the power minus 6 ampere. Very small amount of current. Then pico, nano, 1 nanometer, 1 nanometer, nm. That means what will come? 10 to the power minus 9 meter. 1 nano means 10 to the power minus 9. Pico, 1 pico farade, capacitor when you will be learning 12th standard, to ऐसा यूनिट आएगा फेराडे फॉर कैपेसिटर. तो पी को फेराडे, पी पी रिप्रेजेंट्स व्हाट? 10 टू द पावर माइनस 12 फेराडे. मींस 1 पिको फेराडे इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12. फेमटो, 1 फेमटोमीटर, मे बी आपने केमिस्ट्री में यूज किया होगा. 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. न्यूक्लियस साइज या एटम साइज ऐसा कुछ मेजर करना है, मॉलिक्यूल साइज, देन वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ यूनिट्स. सो जब वेरी स्मॉल मेजरमेंट हो तब हम ये प्रेफिक्सेस यूज करते हैं, 10 टू द पावर माइनस वाले,
When large measurements are there, then we are using this prefixes. Okay, then next I will discuss about the some practical units which we are using for specific purpose. Now there are some important practical units which we are applying practically in real life. This units we are generally converting in SI units only, meter, like this. But some measurements are too large and some measurements are too small. So for too large and for too small measurement means बहुत लम बहुत ज़्यादा बड़ा measurement है या बहुत कम छोटा सा measurement है तो उसको हम instead of meter we are measuring in what? Some practical units like बहुत ज़्यादा बड़ा है तो astronomical unit या light year, बहुत छोटा है तो Fermi, Angstrom, like this ऐसे units में measure करते हैं. तो first one unit is astronomical units. Its symbol is AU, A capital AU is its symbol, astronomical unit. One astronomical unit is equal to 1.49 into 10 to the power 11 meter. Approximately it is 1.5 into 10 to the power 11 meter. Look at here, 10 to the power 11 meter itna jada long distance ya length aisa kuch measure karna tab hum astronomical unit use karte. We suppose sun, this is the sun and this is the earth. Earth is revolving around the sun. So average mean distance between sun and earth kitna hota hai? One astronomical unit kitna hota hai. So one astronomical unit is what? Distance between sun, mean distance between sun and earth. That is approximately 1.5 to 10 to the power 11 meter. So koi numerical mein kahin pe दो प्लैनेट्स की बात चल रही है उसके बीच का डिस्टेंस लिखा है तो वो डिस्टेंस जनरली दे विल गिव इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. दैट टाइम यू शुड नो कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 1.5 इनटू 10 टू द पावर 11 मीटर. नेक्स्ट यूनिट इज लाइट ईयर. लाइट ईयर तो इन लोअर क्लासेस आल्सो मे बी यू लर्नड. वन लाइट ईयर इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ लाइट in a 1 year and the speed of light is what? 3 into 10 to the power 8 meter per second. So when light travels distance within 1 year with the speed what? 3 into 10 to the power 8 meter. Tab wo jitna distance travel karte hai, that is what? 1 light year. So 1 light year, this is for per second. Speed, the speed is what? Per second. This I can write as a meter per second. Multiply by year तो कर नहीं सकते तो year को हमको किस में convert करना पड़ेगा? Seconds में convert करना पड़ेगा. तो if I convert this year into second, then second second will cut, then we can get the distance ना meter. So we will get one light year is equal to something meter, this much. तो how can I convert this year into seconds and then we can get the exactly answer in meter? Look at here. 3 into 10 to the power 8 meter into second multiplied by 1 year. So year I have to convert in 1 year 365 days. Each day has 24 hours. 1 day has 60 minutes and 1 minute has 60 seconds. So we have to multiply this way. So this converts 1 year into seconds. So if I multiply this with this, then I can get the value approximately, that is what? 9.5 into 10 to the power 15 meter. This is what? Equal to 1 light year. So light year also generally we are using for the large distances or distance between planets or stars like that. These two units we are using for large distance measurement, large length measurement. But small length, for small length, this is the smallest unit for the distance, that is Fermi. Or generally we are using femtometer, that is also known as femtometer. So Fermi. So one Fermi is equal to about 10 to the power minus 15 meter. This type of unit generally we are using to measure the size of the nucleus or diameter of the nucleus like that.
तो जब इतना छोटा मेजरमेंट हो तो वो मेजरमेंट हम ऐसे छोटे ऐसे वाले यूनिट्स यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल, अगेन दिस इज फॉर स्मॉल लेंथ ओनली, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू अबाउट 10^-10 मीटर. जनरली एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट मेजर करने के लिए यूज करते हैं. जब भी लाइट की वेवलेंथ दिखाते हैं तब वो एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं कि दिस मच एंगस्ट्रॉम. तो व्हेनेवर वन एंगस्ट्रॉम इज गिवन, दैट मींस व्हाट एंगस्ट्रॉम मींस, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर. सो दिस आर जस्ट सम प्रैक्टिकल यूनिट्स. वन मोर इज लेफ्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट इज पर सेक. Now our next unit is per sec. Per sec is abbreviation of parallactic second. It is the largest unit for the distance. I already discussed light year in astronomical unit. Per sec is greater than light year also and greater than astronomical unit is. One astronomical unit I explain. One astronomical unit is what distance, mean distance between sun and earth. Okay. So now if I draw one circle, sun and ये sun and earth है, इसका मैं ऐसे circle imagine करूँ. तो this one astronomical unit is what arc of this circle. कोई एक circle imagine करो पूरा, उसका क्या है, ये एक arc है, one astronomical unit. So what is its definition? Look at here. It is the distance at which an arc length of one astronomical unit ki ek arc, koi circle ki ek arc, subtends an angle of one arc, one second of arc, or you can say one arc second. So when theta is equal to one arc second, in last video lecture I explained second of arc and second of minute. One arc second means we are writing here one double digits. So one astronomical unit ki ek arc hai, wo jo distance pe theta subtends karti hai, wo theta 1 second of arc ho. तो ये जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितना होता है, 1 per sec. लुक एट हियर, सपोज ये मैं एक आर्क, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक आर्क ले लूँ, पर अगर मैं यहाँ पे नियर बाय करूँगी तो ये थीटा ज़्यादा होगा, तो ये डिस्टेंस 1 per sec नहीं है. कब ये डिस्टेंस 1 per sec बन सकता है, जब वो जो डिस्टेंस पे वो 1 arc second एंगल जितना थीटा बना है वो डिस्टेंस को 1 per sec करते हैं, ये डिस्टेंस को 1 per sec कहते हैं. ये तो डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट एंगल बनाएगा लोकेट ये, पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही वो कितना एंगल बनाएगा, 1 arc second. तो वो जो डिस्टेंस पे 1 arc second जितना एंगल बना रहा है उस वो डिस्टेंस को 1 per sec कहते हैं. How to calculate this? I already explained plane angle. So we can consider here, suppose this is one plane angle. So according to the definition of plane angle and formula of plane angle theta is equal to what? Arc upon radius. So arc yahan pe kya hai? This one. Aur radius kya hai? This one. Agar main isko r consider kar lu, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना, 1 per sec जितना होता है. तो मुझे 1 per sec की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस. तो आर्क इज व्हाट, दिस डिस्टेंस बिटवीन, सपोज ए है, ए बी कंसीडर कर लूँ, तो ए बी अपॉन दिस आर. आई नीड टू फाइंड आउट दिस आर, मुझे आर फाइंड आउट करना है कि 1 per sec इज इक्वल टू कितना आएगा. तो आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस आर, आर और यू कैन से 1 per sec. आर क्या है, 1 per sec है, पर उसका मीटर में कितना आएगा वो हमको फाइंड आउट करना. तो 1 per sec इज इक्वल टू ए बी मीन्स आर्क
आर्क कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ तो क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 1 आर्क सेकंड. थीटा की वैल्यू है 1 आर्क सेकंड. अभी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज व्हाट, 1.5 × 10⁻¹⁷ मीटर. बट एज आई डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर कि मैं मीटर को डिग्री या आर्क सेकंड में से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, मुझे ये एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. तो आई गेव सम फॉर्मूलाज ऑल्सो टू कन्वर्ट 1 degree इंटू रेडियन, 1 arc second इंटू रेडियन एंड 1 arc minute इंटू रेडियन. अगेन आई एम रिवर्सिंग लिटिल बिट. 1 degree इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, 2π/360 रेडियन. एंड वी नो 1 degree इज इक्वल टू व्हाट, 60 arc minute. सो 1 arc minute इज इक्वल टू व्हाट विल कम, 2π/360 इंटू 60. सेम वे 1 arc minute इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, 60 arc second. सो 1 arc second इज इक्वल टू व्हाट विल कम, 2π/360 इंटू 60 इंटू 60. सो फर्स्ट दिस थीटा विच इज गिवन इन टर्म ऑफ व्हाट, 1 arc second, वो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में. नाउ अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने लास्ट टाइम क्यों सिखाया था कि आर्क सेकंड या आर्क मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी. नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन एंड देन आई हैव टू राइट. सो इफ आई राइट हियर 2π/360 इंटू 60 इंटू 60, सो हियर 360 × 60 × 2. So if I calculate all this value, then I can get value that is what, 3.08 × 10⁻⁶ meter. So 1 per sec is equal to 3.08 × 10⁻⁶ meter. So this distance is what, 3.08 × 10⁻⁶. This is the largest unit of distance. Do you know that our Milky Way, we know very well ki Milky Way ki size bahut badi hai, but the diameter of Milky Way is 10⁵ light year. So if I want to measure diameter of like this type of galaxy, तो मुझे कौन से यूनिट यूज करने पड़ेंगे, लाइक लाइट ईयर या पर सेक, लाइक दिस. मीटर नहीं यूज कर सकते क्योंकि मीटर में आपको बहुत बड़ा लंबा फिगर हो जाएगा. सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल यूनिट्स इन आवर रियल लाइफ मेजरमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.